ठीक हो जी। गाइस आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का, ठीक है। पेज नंबर 72 इंग्लिश वालों के लिए और उर्दू वालों के लिए 74। चैप्टर नंबर 2 भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो आज की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने फर्स्ट ईयर में भी अकाउंटिंग में पढ़ चुके हो, बैलेंस शीट क्या है, ट्वेल्थ चट्टा से क्या मुराद है। उर्दू वालों के लिए ट्वेल्थ चट्टा से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस शीट। बैंकिंग में है इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक कंपैरिजन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। हम किसका कंपैरिजन करते हैं, एसेट और लाइबिलिटी का। इज मेड टू चेक द पीस ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बैंक ड्यूरिंग द करंट ईयर। हम एसेट और लाइबिलिटीज का मुआवजा करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है करंट ईयर की प्रोग्रेस और पोजीशन क्या है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। बैंक का त्वरण चट्टा एक ऐसा हिसाबी गोशवारा होता है जिसमें बैंक के वाजबात सरमाया और असासाजात का मुआवजा करते हैं। नंबर वन, बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसी है। जब एसेट और लाइबिलिटी को देखते हैं तब हमें पता चल जाता है बैंक की माली हालत कैसी है। बैंक के जरा आमदनी क्या है, बैंक ने किन जराए से अपने आमदनी को इकट्ठा किया है, बैंक किन मंसूबों पर कहाँ रकम सर्व कर रहा है, ठीक है। ये तीन पॉइंट हैं जो बैलेंस शीट में बहुत अहम है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसे है। बैलेंस शीट को देखते ही क्यों है, ताकि हमें अपने कारोबार की माली हालत सामने आ जाए। बैंक की माली और कारोबारी हालत कैसी है। नंबर दो, बैंक जराए आमदनी, जो बैंक अपनी आमदनी है वो किन जराए से हासिल कर रहा है। नंबर तीन, बैंक किन मंसूबों पर रकम सर्व कर रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट और एसेट और लाइबिलिटी के मुआवजा करें तो उससे क्या पता चलता है, पोजीशन किसकी, बैंक की ड्यूरिंग दी करंट ईयर। करंट ईयर की जो पोजीशन है उससे हमें पता चल जाता है बैंक किस पोजीशन में या क्या प्रोग्रेस है, ऐसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर टू है, डिफाइन अंडरराइटर। अंडरराइटर लोग कौन से हैं। डिफाइन अंडरराइटर, अंडरराइटर की तारीफ करें। इंग्लिश वालों के लिए पेज नंबर 76 जिसमें क्वेश्चन नंबर 90। उर्दू वालों के लिए पेज नंबर 77 जिसमें क्वेश्चन नंबर 18। डिफाइन अंडरराइटर, व्हाट इज मेंट बाय अंडरराइटर। द इंस्टीट्यूशन विच एंटर इन एग्रीमेंट विद द प्रमोट ऑफ अ न्यूली स्टार्टेड बैंक कंपनी टू टेक अप द रिमेनिंग शेयर ऑफ द न्यू बैंक कंपनी विच हैव नॉट बीन टेकन अप द पब्लिक। जब मार्केट में कोई नई ब्रांच ओपन होती है या नया बैंक आता है या कोई भी कंपनी आती है, उस पर लोग इतना यकीन नहीं करते, तो क्या करते हैं, जब भी कंपनी को अब फरमाया चाहिए होती है वो क्या करती है, अपने शेयर्स जारी कर देती है। लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनी को सरमाया मिल जाता है। बाज़ अवक़ात कंपनी की इतनी माली हैसियत नहीं होती, पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं शेयर खरीदने से। जब लोग शेयर खरीदने से इनकार कर देते हैं तो वो जब कोई गारंटी देता है कि हम लोग शेयर खरीदेंगे, तो वो कौन से लोग हैं, अंडरराइटर, जो गारंटी देते हैं कि अगर पब्लिक नहीं खरीदती आपके शेयर्स तो हम लोग आपके शेयर्स खरीद लेते हैं। अंडरराइटिंग से क्या मुराद है। उर्दू में तजारती बैंक मुद्रित कंपनी और अदारों को इनके जारी करदा हिस्से खरीदने की जमानत देता है। अगर ये हिस्से लोग किसी वजह से ना खरीदें तो बैंक का ये अंबर अंडरराइटिंग कहलाता है, ठीक है। क्या करता है, जब कोई लोग कंपनी पे यकीन नहीं करते तो कौन से लोग हैं जो खरीदती हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं शेयर खरीदने के, वो लोग हैं अंडरराइटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय रिजर्व कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। रिजर्व कैपिटल महफूज रकम, तजारती बैंक के तवज्जो छटा में महफूज रकम से क्या मुराद है।
This fund consists of accumulated undivided profit. Every year a bank transfers a part of its profit to reserve fund for strengthening the financial position or to meet the contingency and emergency. प्रॉफिट में से आप लोग तजारती बैंक क्या करता है, थोड़ी सी रकम अपने पास रख लेता है, जमा कर लेता है ताकि कोई नगानी आफत आए तो उसको हम यूज़ कर सकें। तजारती बैंक के कॉलेज चर्चा में महफूज सर नक्स से क्या मुराद है, क्वेश्चन नंबर उर्दू वालों के लिए 14 है और इंग्लिश वालों के लिए 11 है। अगर तजारती बैंक को मरकजी बैंक से बैंक अपने कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफे में से कुछ हिस्सा मुस्तकबिल में पैदा होने वाली नगानी जरूरत के लिए महफूज कर लेता है, जिसे महफूज सरमाया कहा जाता है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास महफूज कर लेता है किसी मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए, इसे क्या कहते हैं, महफूज सरमाया कहा जाता है। महफूज सरमाए में मुनाफे का 20% हिस्सा इस वक्त तक मुंतकिल होता रहता है जब तक वो फरोशुदा सरमाए के बराबर ना हो जाए, इसके बाद मुनाफे का 10% मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा आपको क्या ज़रूरत है कि तजारती बैंक क्या करता है, मुनाफे में से कुछ हिस्सा अपने पास मुस्तकबिल की में पैदा होने वाली नगानी जरूरत के लिए महफूज कर लेता है, इसे कहते हैं महफूज सर नक्स या रिजर्व कैपिटल। जी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 4 उर्दू वालों के लिए पेज नंबर 74 और क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश वालों के लिए पेज नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ लोन, कर्जों के अकसाम अकॉर्डिंग टू इशू, जो बैंक इशू करता है कर्जों के कितनी अकसाम है, कर्जों के अकसाम तो ज़्यादा लेकिन शार्ट क्वेश्चन में आप थोड़ी सी ही लिखोगे। कर्जों के अकसाम अकॉर्डिंग टू इशू, जो इशू करता है। इजरा के लिहाज से कर्ज के अकसाम बयान करें। सबसे पहले कैश क्रेडिट, जो आपको नकद ही मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बाय ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट के जरिए मिलेगा आपको। तीसरा कौन सा है, बाय मॉर्गेज, मॉर्गेज आपने पहले भी पढ़ा है, रहन रख कर, मीन्स कि आप कोई चीज़ रखते हो, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, वो क्या है, उसको रहन रख के मॉर्गेज करके तो फिर आपको कर्जा मिलता है। चौथी कौन सा है, बाय ओपनिंग लोन अमाउंट, कर्ज का खाता खोल कर, ठीक है। ये क्या है, कर्जों की इकसाम, कितनी इकसाम है, कर्जों की 4 इकसाम अंदर लिखी हुई है। पहले कौन सी है, नक कर्ज, कैश क्रेडिट। दूसरा कौन सा है, बाय ओवरड्राफ्ट है, तो कर्जों की इकसाम ज़्यादा है लेकिन बोर्ड पे जो मैंने मेंशन किया है वो 4 की है। तीसरी कौन सी है, बाय मॉर्गेज, जो रहन रख के कोई भी लैंड, बिल्डिंग वगैरह आप लोग रखते हो, गोल्ड, सिल्वर, तो वो क्या, उसके बदले आपको जो लोन मिलता है उसे क्या कहते हैं, बाय मॉर्गेज। चौथा कौन सा है, बाय ओपनिंग लोन, ये है कर्जों की इकसाम। जी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 73, इंग्लिश उर्दू वालों के लिए 75, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट आउट ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ कैश रिजर्व, बैंक के महफूज नकद का असर अंदाज होने वाले अवामिल। सबसे पहले कौन से हैं, यूज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, अलाते अतबार का इस्तेमाल, क्लियरिंग हाउसिंग सिस्टम, हिसाब कर की मौजूदगी, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैबिट, रुझानात बचत का रुझानात, रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी मीन्स के सरमायाकारी का रुझानात, उसके बाद लोकेशन ऑफ बैंक, नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले यूज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, क्लियर हाउसिंग सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैबिट, रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, लोकेशन ऑफ बैंक, नेचर ऑफ अकाउंट, क्या आता है, खातों की नवीयत कौन सी है, अलाते अतबार के इस्तेमाल, सरमायाकारी का रुझान, बचत का रुझान, मंडी की नवीयत, हिसाब कर की मौजूदगी, खाता
की शरह। ये सारे उवामल किस पर असरअंदाज होते हैं? महफूज नकद पर। जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक? बैंक का महफूज नकद किन सूरतों में हो सकता है? सबसे पहले कैश इन हैंड इन फॉर्म ऑफ कॉइन एंड करेंसी। कैश इन हैंड क्या है, कौन सी फॉर्म है? करेंसीज की और कॉइन्स की। कैश विद सेंट्रल बैंक। तीसरा कौन सा है, बैलेंस विद अदर बैंक। बैलेंसेज विद अदर बैंक। पहला कौन सा है, सरमाए का वो हिस्सा जो मर्कजी बैंक में जमा होता है, ठीक है। कैश विद सेंट्रल बैंक, ऐसा हिस्सा जो मर्कजी बैंक में जमा होता है। दूसरा क्या है, सरमाए का वो हिस्सा जो बैंक के पास नकद हालत में मौजूद हो, मीन्स कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी। करेंसी सॉरी बैलेंस का वो हिस्सा जो बैंक के पास नकद हालत में मौजूद हो, ठीक है। तीसरा कौन सा है, बैलेंस विद अदर बैंक, दूसरे बैंकों से वाजिबुल वसूल रकम, वाजिबुल अदा नहीं वसूल, जो हमने वसूल करनी हो, ठीक है। इस तीन तरीकों से हम कैश अपने महफूजा नकद कर सकते हैं, ऐसा हिस्सा जो बैंक के पास नकद हालत में मौजूद हो, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कैश विद सेंट्रल बैंक, मरकजी बैंक के पास कैश हमारा मौजूद हो, ठीक है। बैलेंस विद अदर कैश अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों से हमने रकम वसूल करनी हो, हम उन सब को मिला के अपने महफूजा नकद को अपने पास जमा कर सकते हैं, ठीक है जी। गर्ल्स के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 आज मैंने करवाए हैं, जो लेक्चर नंबर हमारा 6 है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती